समाज की आधी आबादी महिलाएं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाएं, घूंघट से निकलकर अंतरिक्ष की उड़ान तक पहुंचने वाली महिलाएं, समाज की सोच को दिशा देने वाली महिलाएं, महिला शक्ति को सम्मानित करने का दिन 8 मार्च। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1908 में। इंस्पायर इंक्लूजन, यानी एक ऐसी दुनिया जहां पर हर किसी को बराबर का हक मिले, हर किसी को बराबर का सम्मान मिले, ये थीम है इस बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। साल 1908 से इसकी शुरुआत हुई थी। और क्या आपको पता है कि ये महिला दिवस उपज थी एक मजदूर आंदोलन की। क्या था वो आंदोलन, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको मिलाएंगे एक ऐसी हस्ती से जो अपनी जिंदगी के पिछले 31 सालों से कुछ हट के कर रही हैं। देखते रहिए डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस असल में एक मजदूर आंदोलन की उपज है। इसकी शुरुआत साल 1908 में हुई थी, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतर गई थी। इसके 2 साल बाद यूरोपीय देश डेनमार्क में कामकाजी महिलाओं की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 8 मार्च के दिन को महिला दिवस के तौर पर मनाने की पहल की गई। फिर साल 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। और इसके बाद 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इस बार इंस्पायर इंक्लूजन रखी गई है। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को बराबर का हक मिले, बराबर का सम्मान मिले। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी। महिला दिवस पर खासतौर से ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जो समाज की मुख्य धारा से हटकर अपने स्तर पर कुछ ऐसा कर गुजरती हैं जिसे दुनिया सलाम करने पर मजबूर हो जाए। ऐसी ही एक महिला है हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू की दीपाला चौहान, जिन्होंने अपने जीवन के 31 साल एक ऐसे काम को समर्पित कर दिए जिसकी तरफ आम तौर पर हम आप ध्यान नहीं दे पाते। महिला दिवस के इस खास मौके पर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उन बेजुबान जानवरों की आवाज को समझती है, और जानवरों के उत्थान के लिए, जानवरों की तकलीफ को समझते हुए उनकी बेहतरी के लिए अपने स्तर पर एक बड़े लेवल का प्रयास ये कर रही हैं। क्या वो प्रयास है, उसके बारे में आज इनसे खास बातचीत में हम चर्चा करेंगे। दीपाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर, डीडी न्यूज पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एग्जैक्टली करती क्या हैं। मैं सड़क में जो लोग इस्तेमाल करके जानवरों को फेंकते हैं, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ये शब्द क्योंकि असल में फेंकते ही है, घर से निकालते हैं वो, चाहे गाय हो, बैल हो, बच्चू हो, कुत्ता, घोड़ा, खच्चर, बकरी, कुछ भी। तो जो मतलब ये तकलीफ़ में भूखे प्यासे मर रहे होते हैं सड़क में, मैं उनको उठा के घर ले जाती हूँ और उनको घर देती हूँ, ट्रीटमेंट करती हूँ, देखभाल करती हूँ, बच्चे जैसे पालती हूँ। आप अकेले ये सब करती हैं या आपने किसी तरह की कोई संस्था, कोई एनजीओ फॉर्म की है? अभी हमारी कोई एनजीओ नहीं है। मेरे साथ जुड़े तो हैं 2-3 लोग, अभी मतलब 2-3 साल हो गए हैं उनको जुड़े हुए, पर जो असल काम है वो मुझे करना पड़ता है और मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ। शिमला के पीटर हॉफ में महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें दीपाला चौहान को सम्मानित किया गया। दीपाला चौहान उन बेजुबान जानवरों को अपना लेती हैं जिन्हें कोई नहीं अपना पाता, जो अपना दर्द बयान नहीं कर पाते, जिन्हें कोई अपना नहीं समझ पाता। ऐसे जानवरों के लिए दीपाला चौहान उम्र के इस पड़ाव में भी पूरा वक्त निकालती हैं और उनके लिए एक आशियाना तैयार करती हैं। How did it all started? मतलब ये शुरू कैसे हुआ? क्यों आपको ये लगा कि जानवरों की आवाज़ को समझने के लिए एक एफर्ट अपने लेवल पे करने की ज़रूरत है? जब से मेरी याददाश्त है, मतलब बचपन से मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स ने हमको कंपैशन ही सिखाया हर बात में। अब मैं पीछे देखती हूँ कि वो अपने तरीके से हमको कंपैशन, दया, धर्म का हमको बहुत बड़ी शिक्षा दी। और
मैं तो जितना मुझे याद है मैं हमेशा से रेस्क्यू करती थी जानवर चिड़िया जो मिली, और अब जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो मैं सड़क से उठा उठा के ले जाके अब मैंने बना लिया, बिकॉज एक अच्छी सोसाइटी एक अच्छी सभ्य इंसान और अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले हमको अपने इन बेजुबानों की आवाज़ बनना पड़ता है और इनकी देखभाल करनी पड़ती है, तब ओवरऑल आपकी सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी होगी अगर आप पहले इनको देखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप हमारे साथ जुड़े और आप एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए काम कर रही हैं, एंड वी होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर गुड कॉज। और महिला शक्ति की जब हम बात करते हैं और इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जब आप हमारे सामने आती हैं तो ज़ाहिर तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा का स्रोत बनता है पूरे समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, और दीपाला चौहान जी की तरह ही बहुत सारे लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर इसी तरह के नोबल कॉज के लिए आगे आ सकती हैं और बेजुबान जानवरों की आवाज़ बन सकती हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़ शिमला।